पिंगला भाभी ए भाभी पिंगला भाभी अरे दीवरी हाँ अरे क्या बात है दीवरी आज तो तेरी स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई जल्दी होगी और अभी तो 4 भी नहीं बजे और तेरी छुट्टी तो पूरे 5 बजे होती है बावली मेरी छुट्टी 3:30 बजे होए करे अच्छा हाँ चल कोई बात नहीं दीवर अगर आज तेरी स्कूल से छुट्टी जल्दी हो गई है तो मेरे साथ अंदर महल में चल क्यों क्यों हाँ क्योंकि आज मैंने तेरे लिए बड़ी बड़ी सब भोजन बनाया है अच्छा और भोजन आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी दुष्टनी तेरे हाथा का तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा क्यों के उल्टे कर्म करती आंडे है तू महल में मैं और मैंने न्यू बता अगर आज तेरे साथ महल में कौन था मेरी गैल तेरी गैल कोई भी नहीं था याद कर ले होगा अरे कोई था नहीं कोई थी कौन थी मेरी गैल मेरी बांदी थी बांदी ना कोई बांदा था के तो तू बता दे देवरी मेरे साथ में कोई भी नहीं था और मुझे तो लगता है आज तेरी कुछ नियत में खोट दिखाई दे रहा है मेरी में हाँ क्यों ओहो आज तो तेरे कुछ लत्ते भी गंदे से हो रहे हैं तेरी आंखें भी लाल लाल हो रही है भाभी लत्ते तेरे भी गंदे हो रहे हैं अच्छा हाँ सुन मेरे साथ में कोई नहीं था कोई नहीं था बात सुन ले कह दे अपनी बात हाय रे किसते तू बदला वैसे मैं तू कोई नहीं है भाभी ना शर्मा वैसे अच्छा किसते तू बदला वैसे भाभी ना शर्मावे से किसते तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से तेरा भाई से रंग महलों में तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोर लगावे से किसते 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से किसते तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से ओ भाभी सारी शर्मिहार सारी
लिया सब कुछ। कहिए माकी माकी तेरी माकी। अच्छा हाँ देख देवर कोई बात नहीं, अगर तूने सब कुछ देख लिया है हाँ। तुझे हर बात मालूम हो गई है हो गई तो देख कोई बात नहीं भूल जा भूल जा भूल जा भूल जाऊं हाँ क्यों भूल जा तूने कुछ देखा भी है क्यों? और देख ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए पागल है? और किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए, उसके बदले में तेरी भी मौज कर दूंगी मौज। अच्छा मतलब यो बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलनी चाहिए। किसी तीसरे ने पता नहीं चलनी चाहिए ना, पर तीसरे ने तो पता है जो कार्रवाई करके गया है। देख देवर उसकी टेंशन तू मत ले, उसको मैं समझा दूंगी और बस तू मेरी बात मान जा मान जा। भाभी हाँ। बात नहीं मानू तेरी, देख दिखा दिखा दू, चल महल के अंदर मैं भोजन खिलाऊंगी बढ़िया बढ़िया ना रान दे। अच्छा कहते हैं हाँ तेरी बात इतरावे ना मानू तेरी बात, मेरे भाई अगतन देना पड़े दरबार दरबार में कर दू तेरा हिसाब। मम्मी जी फिर कितने पापा जी बनाओगी? देख देवर तू बहुत ज्यादा फालतू बोल रहा है, देख मेरी बात मान जा, अभी भी तेरे पास टाइम है वक्त है, मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा फायदे में। और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तू जानता नहीं है कि स्त्रिया के कितने रूप होते हैं। भाभी स्त्रिया के रूप होते हो ना, पर तेरे कई रूप है, तेरा ताली नागण काली नाश करण वाली भूडे मुंह वाली, तेरे जितने नाम काट दू उतने ही कम है। बहुत फालतू बोल रहा है। फालतू तुझे शर्म नहीं आ रही? शर्म तो तन्ना नहीं चाहिए। किस बात की? किस बात की? हाँ बात भी नहीं बता तने। कोई बात नहीं होगी तो होगी, अभी थोड़ी ना तू हर बात को वो याद रखेगा मेरी आंखों के सामने बार बार मुझे याद दिलाएगा फिर दोबारा भी। अच्छा हो सकता है यो कोई बात भी नहीं है ना, इसने तो छोटी मोटी बात मान ले, छोटी सी बात है भूल जा और पागल मौज ले जिंदगी के मौज। भाभी मेरे पे नहीं भूला जा, मैं भी जाऊंगा, जाके अपने भाई तेरी सारी काली कर दू तो बता दूंगा। मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगा ना? तू मेरी बात नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा ना? तेरी तो माँ भी मानेगी। अच्छा अभी भी नखरे दिखा रहा है? भाभी तन्ने मेरे थप्पड़ मारा, इतना दुख शायद मैंने छोटे से छोड़ कर, मेरी माँ मर गई थी छोटे से छोड़ कर बाप मर गया था, पर इतना दुख मैंने उस दिन नहीं आया जितना दुख तने मेरे थप्पड़ मारा जी बोया। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा देवरे तो हो सकता है
शायद तेरे जीवन का आखिरी दिन हो, तेरी वो हालत कर दूंगी तू अपने आप से भी तेरी रूह भी मेरे से कापेगी। ओए गधे गऊ का मिला दिया तन जोड़, तू विक्रम तेरी, तू विक्रम तेरी सारी काट मरो, विक्रम तेरी सारी काट मरो, कैलाश चंद ने कलम दई से तोड़।